कल शाम 4 बजे हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं ने देश में बलात्कार जैसी घटनाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे आगे कोई घटना न हो सके। हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर पैदल गैस चौराहे से छतरी चौराहे तक जलूस की शक्ल में प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि हर बलात्कारी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया। न्यूज़ फ्रीडम के लिए पीलीभीत से आकाश पाठक की रिपोर्ट। निकाली है, क्यों निकाली है और क्या कारण है? ये रैली नहीं है, ये एक आंदोलन है उन बलात्कारियों के खिलाफ। ये आंदोलन है उन सोते हुए प्रशासनिक अधिकारियों व सरकारों के खिलाफ जो आए दिन बलात्कार होते रहते हैं और उनके पीछे कार्यवाही शून्य के नाम होती है। महीनों हफ्तों गुजर जाते हैं, बलात्कारी बच के निकल जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, वो वास्तव में क्या है? एक घृणास्पद पाप है या फिर कोई ऊंची राजनीति जो एक दूसरे का पतन करने के लिए मासूम बच्चियों का शिकार किया जा रहा है? हम सब भारतवासी इस सब के खिलाफ आवाज उठाते हैं, विरोध करते हैं और ये आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होता जाएगा यदि जल्द से जल्द बलात्कारियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा सरकार में इतनी तेजी से लगातार बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके पीछे या तो कोई शैतानी ताकत है या कोई ओछी मानसिकता है जो ऐसा कर रही है, या भारत की अखंडता को तोड़ने का प्रयास करा जा रहा है। कभी हिंदू बच्ची का बलात्कार होता है, कभी मुसलमान बच्ची का मर्डर किया जाता है। ये क्या है? ये या तो हमारे देश को तोड़ने की साजिश है, शैतानी साजिश।